ये बना हुआ है पूरा गोल्ड से बना हुआ है मंदिर। तो मैंने पहली बार ऐसी मंदिर विजिट की पूरी की पूरी गोल्ड से बनी हुई है। हे गाइस, अभी मैं मथुरा से निकल रहा हूँ पंजाब की ओर। तो मेरा पहला स्टेट कवर हो चुका है यूपी। तो थोड़ा सा पैकिंग चल रही है। तो अभी टाइम हो रहा है ये 8:06, 8:06 हो रहा है। तो बस मेरी रात की अभी 11 की है। तो अभी जल्दी जल्दी पैक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपने रूम से रवाना होता हूँ। पैकिंग हो चुकी है, अब मैं निकलता हूँ नीचे हॉल की ओर, फिर खाना खा के मैं निकलूँगा यहाँ से, जहाँ से बस मुझे पिक करेगी, फिर हम निकलेंगे सीधे पंजाब के लिए। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, मैं निकल चुका रूम से। तो अभी बस 11 के करीब आएगी, अभी 10:11 हो रहे हैं। तो वेट कर रहा हूँ यहीं पर, आसपास कोई भी नहीं है, तो बस यहाँ पर सुनसान रोड पे आएगी। तो यहाँ पर मच्छर भी बहुत खा रहे हैं, तो नींद भी बहुत आ रही है। तो उसके बाद मैं बस में ही सोऊंगा। तो सुबह 7 करीब लुधियाना पहुँचा देगी, उसके बाद फिर मैंने जाना है वहाँ लुधियाना से सीधा जलंधर। तो मैं जलंधर ही रुकूँगा, तो तब तक स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, मैं यहाँ पर ऊपर हाईवे में आ चुका हूँ। तो 11 वाले हैं, यहाँ पर बस अभी तक आई नहीं। तो ये पूरा हाईवे है, चांद भी लगा हुआ, तो अभी तक बस आई नहीं, वेट कर रहा हूँ। सो फाइनली गाइस, मैं जलंधर पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर एक मेरे दोस्त है, उनके कहने पे यहाँ पर आया था और अब वो फ़ोन उठा नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से शायद मैं आप सीधे अमृतसर ही निकलूँगा, वहीं पर इसके बाद थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, क्योंकि 8 हो गए थे। तो अभी यहाँ से मैं सीधे अमृतसर ही निकलूँगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। अमृतसर के लिए मैं बैठ चुका हूँ, ये रोडवेज बस है, पंजाब रोडवेज। तो यहाँ से मैं बैठ चुका हूँ, यहाँ से सीधा अमृतसर बस स्टैंड पे, फिर वहाँ पर स्टे करने के लिए मैं जगह देखूँगा, उसके बाद वहाँ पर रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद फिर गोल्डन टेम्पल के लिए निकलूँगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। फाइनली गाइस, मैं अमृतसर पहुंच चुका हूं, और यहां पर मैं दुर्गियाना मंदिर है, जगह का नाम है, वहां पर मंदिर भी है। तो वहां पर एक बीबी धानावत आश्रम है, तो वहीं पर जा रहा हूं, वहां पर पूछूंगा क्या क्या है, इसके करने का क्या चार्जेस वगैरह है। तो इसका करने का जो चार्जेस वगैरह शायद वहां पर जो मैंने यूट्यूब वगैरह नेट में देखा तो शायद सस्ता है, वहीं पर जाके इसका करूँगा। तो गाइस, रूम मिल चुका है, तो रूम में बेड वगैरह तो नहीं है, फिर भी मुझे चल जाएगा। तो धर्मशाला है एक, मुझे बस रात बिताने के लिए चाहिए। तो यहीं पर सबसे टॉप फ्लोर पर दिया है,
विंडो भी है, तो उसी रूम को चूज किया मैंने। तीन सौ तीन, तीन सौ चार। तो ये रूम है, तो मैं यहीं पर ही रहूँगा। तो लॉक वगैरह सब कुछ अपने ही है यहाँ पर। तो चलिए अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ शाम को थोड़ा सा टहलने जाऊँगा। तो तब स्टेडियम गाइस, मैं रूम पहुँच गया। बेड वगैरह बिस्तर वगैरह भी मैंने सेट कर दिया है। आज रक्षाबंधन भी है, मेरी बहन ने पैसे भेज दिए थे राखी के लिए, मैंने रास्ते से राखी लिया तो उसे दूर हूँ। तो बस पहनता ये राखी, क्योंकि दो साल हो गए मैंने उसके हाथ से अभी राखी नहीं लगाया, तो ये साल भी ऐसे ही चला गया। मैं आप सभी लोगों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सीज फॉर दिस ब्यूटीफुल राखी गिफ्ट। जब मैं पूरा दो साल का भ्रमण कर लूँगा उसके बाद मैं सीधे आपको गिफ्ट दूंगा। चलिए राखी पहन लेता हूँ। बस सुबह काफ़ी थक भी गया था क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल किया। अभी रेस्ट करता हूँ, फिर शाम को थोड़ा टहलने जाऊँगा। काफ़ी अच्छी जगह, बगल में गुरुद्वारा है, सामने मंदिर है, 900 साल पुराना कह रहे हैं। शाम को जाके आपको दिखाऊँगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैंने रेस्ट कर लिया है, सुबह काफ़ी थक गया था। सुबह 7 बजे में लुधियाना पहुँचा, लुधियाना से फिर मैं अमृतसर गया। तो अभी अमृतसर में हुआ, अमृतसर में मैं धर्मताला में, एक धर्मताला है यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो अभी मैं शाम को निकला था, तो सामने मेरे एक गुरुद्वारा है और सामने एक शीतला मंदिर भी है। तो यहीं पर आया हूँ, मैं मंदिर के कंपाउंड में आया हूँ, तो देख सकते हो आप। तो अभी मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगा और उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी थी 86 के टाइम पे, 2017 के टाइम पे, जितने भी हमारे शहीद हुए। तो उनके लिए मैं प्रार्थना के लिए ही निकला हूँ, उनके लिए मैं आत्मा शांति के लिए ही निकला हूँ। जो लोग वहाँ पर शहीद हुए थे तो उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। तो अभी मैं गुरुद्वारा जाऊँगा, गुरुद्वारा जाने के बाद फिर वहाँ पर भी माथा टेकूँगा, वहाँ पर थोड़े आपको दिखाऊंगा कि मतलब अंदर का व्यू कैसा है, किस तरीके का है करके। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाउंटेन वगैरह बहुत सारा लगा हुआ है, तो ये पूरा मंदिर का कंपाउंड है। चलिए मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या है करके। तो इस तरीके का फाउंटेन है यहाँ पर, यहाँ पर लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अभी यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ भी है, कह रहे सभी उसका पेड़ है। तो यहाँ पर माँ गंगा का स्मृति बना हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप। थोड़ा पकड़ेंगे, थोड़ा करीब
यहाँ से मैं आप प्रसाद लेके पंडित जी के हाथ से तो मैं गुरुद्वारा आ रहा हूँ। ठीक है पंडित जी, तो यहाँ पर मैंने पंडित जी ने प्रसाद दे दिया है, तो अब मैं जाऊँगा गुरुद्वारा सीधे। चलते चलते मैं गुरुद्वारे के कंपाउंड में आ गया हूँ और यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है शिव जी का। मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, तो यहाँ अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है दुर्गाना मंदिर, जो पूरे गोल्डन उससे बना हुआ है, तो ये देख सकते हो आप सामने। तो यहाँ पर अंदर वीडियो करना तो मना हुआ ना, क्या कर सकते हैं? मना सकते हैं ना, तो शायद अंदर वीडियो करने के लिए मना करेंगे, तो मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा झील भी है। एंट्री है तो यहाँ पर कुछ एंट्री तो देख सकते हैं आप। तो जो नज़ारा है मैं बता नहीं सकता कि मतलब ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो झील के बीच में ये आप देख सकते हो रोड वे बना हुआ है। सो मतलब जो ये नज़ारा है कि मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मतलब जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो अभी सामने मंदिर भी है, मंदिर का दर्शन भी करवाऊँगा आप लोगों को। अंदर मंदिर के कंपाउंड में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्री कृष्ण जी का मंदिर है ये, ठाकुर जी का। तो जो ये बना हुआ है पूरा गोल्ड से बना हुआ है मंदिर। तो मैंने पहली बार ऐसी मंदिर विजिट की, पूरी की पूरी गोल्ड से बनी हुई है। तो ये पूरा झील के बीच में बना हुआ है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो मैं अंदर भी जाऊँगा माथा टेकने के लिए। अभी आरती होगी शायद। तो दोस्तों मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए है, ठाकुर जी के भी दर्शन कर लिए है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पीछे से व्यू दिखाने का मन किया, तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से मतलब जो व्यू है कितना अच्छा है। जो आप देख रहे हो ये पूरा गोल्डन का बना हुआ है। तो चलिए आप यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं मार्केट जाऊँगा और थोड़ा कुछ खाना खाऊँगा, कुछ खाऊँगा, फिर उसके बाद मैं अपने रूम, फिर उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं। फिर कल मैं गोल्डन टेम्पल की ओर जाऊँगा और थोड़ा उसी टाइम जलियांवाला बाग भी जाऊँगा। तो चलिए तब तक स्टे ट्यून, अभी हम बाहर निकलते हैं अभी फिलहाल। तो दोस्तों जिस शीतला देवी की, शीतला माता की मैं बात कर रहा था, 700-800 साल पुराना तो ये मंदिर है।
शीतला देवी मंदिर का दर्शन आप भी कर लीजिए। शीतला देवी जो मंदिर है शायद कम से कम 700-800 साल पुराना कह रहे थे। चलिए अभी थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर जूता लिया, जूता रखने के लिए यहाँ पर शेल्टर बना हुआ है, तो वहाँ से जूता लिया। तो अभी थोड़ा मार्केट के और जाऊँगा, तो थोड़ा भूख भी लगा है, तो खाना वगैरह भी खाऊँगा। अब देखते कितना लेते आप यहाँ पर भी, होगा तो महंगा ही, लेकिन फिर भी देखते कोई सस्ती जगह ढूंढते। सो मतलब यहाँ पर काफ़ी शाम होने के बाद काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो दिन पे जब मैं आया था तो इतना भीड़ नहीं था। तो फाइनली गाइस मैं रूम पहुंच चुका हूँ और डिनर मैंने रास्ते में कर लिया था। तो वैसे आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, और एंडिंग में मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत जितना उनसे हो सका उन्होंने डोनेट किया कल, तो इस मेरे सफ़र में, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि मतलब आप लोगों ने मुझ जैसे लड़के को सपोर्ट किया, डोनेट किया मेरे सफ़र के रिगार्डिंग। तो मैं दिल से बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, तो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। और इफ़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। और इफ़ आप मुझे फेसबुक में फॉलो करना चाहते हो तो उदित राणा से पेज है मेरा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भी उदित राणा से, प्लीज़ जाके वहाँ पर भी फॉलो कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सफ़र में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।